कई लोग होंगे जिन्होंने इस प्रकार की वॉच पहनी होगी या मोबाइल फोन पर ऐप नाम के रखी होगी, लेकिन देश में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो अपनी डेली लाइफ फैशन स्टेटमेंट हो जाते हैं। और इसलिए फिटनेस की जगह बात करना, दोस्तों में भोजन के टेबल पर बैठे हैं, भरपूर खा रहे हैं, आवश्यकता से डबल खा चुके हैं और बड़े आराम से डाइटिंग की चर्चा करते हैं। महीने में कम से कम बातें भी करते हैं और इससे जुड़े गैजेट खरीदते रहते हैं और उनको ध्यान में रखता है कोई नया गैजेट होगा सर मेरा फिटनेस ठीक हो जाएगा। आपने देखा होगा घर में तो बहुत बड़ा जिम होगा, फिटनेस के लिए सब कुछ होगा, लेकिन उसकी सफाई के लिए भी नौकर रहना पड़ेगा और सबसे आगे होते। लेकिन कुछ दिन बाद उस ऐप को कभी देखते भी नहीं, यानी हाथ के तीस बाद मेरा जन्म गुजरात में हुआ, हमारे यहां गुजरात में एक ज्योतिन्द्र भाई सर्वे करके बहुत ही उत्तम प्रकार के हाथ से लेकर जन्म लिखते और बड़ा इंटरेस्टिंग लिखते और ज्यादातर फिर वो लिखते थे कि मैं घर में निकलता हूं तो मेरे जेब में पत्थर भर के चलता हूं। वो कोट पहनते थे, सभी जेब के अंदर पत्थर भरते हैं तो लोग मुझे मानते थे घर में हिंसा कर बैठूंगा मार दूंगा, तो लोग मुझे पूछते ना पत्थर नहीं निकल सकते इतने सारे, थोड़ा सा मुझे डर लगता है कहीं हवा आए उड़ ना जाओ तो इसलिए जरा बैठ उठा देते हैं। ऐसी मेरी मजेदार चीजें लिखते थे वो। एक बार किसी ने उनको कहा बोले तो पसीना हो जाए इतना तो शुरू करो, पहले ध्यान में जाओ पसीना हो जाए उतना करिए, तो बोले ठीक है करते जाऊंगा। तो दूसरे दिन बोले मैं बयान सारा पहुंच गया और ये हमारे जो कुश्तीबाज होते हैं वो लोग अखाड़े में अपनी कुश्ती कर रहे हैं। बोले जहां तक मैं देखने लगा और डायबिटीज हाइपरटेंशन जैसी अनेक लाइफ स्टाइल डिजीज बढ़ती जा रही, कभी कभी तो सुनते हैं परिवार में 12-15 साल का बच्चा डायबिटीज कैंसर हो गया। अपने आसपास देखिए तो आपको अनेक इनसे पीड़ित मिल जाएंगे। अब आप बताएंगे कि बीमारियों के बीच में उम्मीद की किरण की बात कैसे कर रहा हूं। मैं स्वभाव से बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग करने वाला इंसान, इसलिए मुझे उसमें से भी कुछ अच्छी चीजें मैं ढूंढ के निकाल रहा हूं। साथ जो लाइफ स्टाइल डिजीज हो रही है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को, और ये जो सरकारी नौकरी रही है सरकार का इफेक्टिव एजेंट के रूप में इस विषय को आगे बढ़ाएगी, लेकिन एक प्रकार से हर परिवार का एजेंडा बनना चाहिए, ये हर परिवार की चर्चा का विषय बनना चाहिए। अगर व्यापारी हर महीने हिसाब लगाता है कितनी कमाई की, शिक्षा में रुचि में होने वाले की परिवार में चर्चा करता है बेटों को कितना मार्क आया, उसी प्रकार से परिवार के अंदर सहज रूप से पूरे विश्व में आज इस तरह के अभियानों की जरूरत महसूस की जा रही है। अनेक देश अपने यहां फिटनेस के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बड़े बड़े अभियान चला रहे हैं। हमारे पड़ोस में चीन हेल्दी चाइना 2030 इसको मिशन मोड में काम कर रहा है, यानी 2030 तक चाइना का हर नागरिक तंदुरुस्त हो इसके उन्होंने पूरा टेंडर बनाया। फिट इंस्टीड ऑफ फैट, फिट इंस्टीड ऑफ फैट इसका बड़ा अभियान चल रहा है। साथियों मैंने आपको कुछ ही देशों के नाम गिनाए, अनेक देश बहुत पहले से
इस पर काम शुरू कर दिया। इन सारे देशों में लोग फिटनेस की जरूरत को समझते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने यहां विशेष अभियान को हमारी दिनचर्या वैसी बन जाए। हमको सुबह 8 बजे उठने की आदत हो, लेकिन कभी सुबह 6 बजे तक जहाज पकड़ना है, 6 बजे ट्रेन पकड़नी है, तो हम उठते ही हैं, तैयार होकर चलते ही हैं। हमने देखा होगा किसी स्टूडेंट ने अगर ये तय किया कि मुझे 10वीं या 12वीं के बोर्ड में जब जीवन में फिटनेस के प्रति अवेयरनेस आती है, एक कॉन्शियसनेस आती है, मन एक बार तय करे भाई मैं बिल्कुल ही कभी थकूंगा नहीं, कभी सांस खुलेगी नहीं, चलना पड़ेगा चलूंगा, दौड़ना पड़ेगा दौड़ूंगा, करना पड़ेगा करूंगा, रुकूंगा नहीं। अब देखिए धीरे 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 आपकी जीवन दिनचर्या भी वैसी बनना शुरू हो जाती है। उसके लिए कभी ड्रग्स फुल नहीं होगी, स्ट्राइक स्टेटमेंट नहीं बनेगी। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि अगर जीवन में पर्पज हो, पूरे पैशन के साथ उसके लिए काम किया जाए, तो अच्छा स्वास्थ्य, सुख समृद्धि उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में आपके जीवन में आ जाते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए हमारे भीतर सफलता हमारे कदम चुनने चुनने के लिए तैयार हो जाती है। और सफलता तो आपने वो कहा क्यों सुनी होगी, There is no elevator to success. There is no elevator to success. You have to take the stairs. तो मात्र नहीं है, अगर आप उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि एक चीज ऐसे हर व्यक्ति में कॉमन है, सफल लोगों का कॉमन कैरेक्टर है फिटनेस पर उनका फोकस, फिटनेस पर उनका भरोसा। आपने बहुत से डॉक्टरों को भी देखा होगा, बहुत कपड़े होते हैं और दिन में 10-10, 12-12 घंटे अनेक पेशेंट के ऑपरेशन करते हैं। बहुत से उद्यमी सुबह एक मीटिंग एक शहर में करते हैं, दूसरे मीटिंग दूसरे शहर में करते हैं, उनके चेहरे पर शीतल करते हैं। साथियों, में जब फिटनेस की तरफ हम ध्यान देते हैं, फिटनेस पर ध्यान देते हैं, ध्यान भले ही सरकार ने शुरू किया है, लेकिन इसका नेतृत्व आप सभी को ही करना है। देश की जनता ही इसे कैंपेन को आगे बढ़ाएगी, ये सरकार चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, नगरपालिका हो, पंचायत हो, कोई भी दल हो, कोई भी विचारधारा हो, फिटनेस के संबंध में किसी को सीमित सोच के कारण, पूर्ण सोच के अभाव के कारण हमने हमारी परंपराओं से ऐसी गाड़ी डिरेल कर दी है। जैसे कभी हमारे यहां जो